वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, गुड मॉर्निंग। तो टाइम बज चुके हैं 6, तो 6:05 पे अपनी बस है, तो फटाफट चलते हैं। खाना हो गया, सब हो गया, पैकिंग कर ली, सब कर लिया, तो फिलहाल चलते हैं। ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं है इस टाइम, तो फिलहाल चलते हैं बस में, और बस में बनाएंगे आज काफ़ी ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल चलते हैं और आपसे मिलते हैं बस में। ठीक है भाई, बस मिल चुकी है मुझे चंडीगढ़ वाली, और बस देख लो पूरी खाली बस, कल्ला मैंने पूरी कल्ले बस में जाऊँगा बस चंडीगढ़, और कोई भी नहीं, देख लो। चलो ठीक है, आगे जाके करते हैं बात, अभी तो है टाइम 10-15 मिनट है। पहली PRTC की बस देखी जिसमें स्पीकर है, बहुत मजे आने वाले हैं। ट्रिप पे की पहले ही गाने ने श्री राधे राधे लगा दिया, बहुत बढ़िया। पर बस में उतना कोई नहीं बैठता, पूरी बस मेरे लिए ही बुक है। चलो फिलहाल चलते हैं और टाइम देख लो, 6:30 हो गए, देखते हैं आपको चंडीगढ़ पहुंचते हैं। ठीक है, तो गाइस फिलहाल नहाने से आ चुके हैं नीचे, और ये खड़ी अपनी बस, और यही है ढाबा। मैं उन सारे बस वालों ने एक ही ढाबे से करा रखा सारा काम अपना, सारी बस इसी ढाबे पर रुकने लगी, रात दिन सवेर हो चाहे। अब कुछ खाते पीते हैं, मैं तो चाय पीऊँगा यार, मैंने घर से चाय नहीं पीती क्योंकि उस टाइम मेरी तबियत खराब होती है। अब तो प्लेन रास्ता है, तो फिलहाल चाय पीते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, और तबीयत सी थोड़ी ऐसी हो रही ढीली। ठीक है, मैं पहुंच चुका चंडीगढ़, और दो रोज जा रही देखो अपनी बस। तो फिलहाल एक बात बताता हूँ, मैं ना इस बस में पूरी बस में अकेला आया, बस मेरे को यकीन सा नहीं हो रहा मैं पूरी बस। हाँ बैठे थे काला आम से, बैठे थे 3-4 लोग ना, ज़्यादा नहीं, बस 3-4 लोग बैठे थे, और वो भी कहाँ माजरी चौक उतर गए थे, वहाँ से सिर्फ मैं अकेला आया हूँ यहाँ चंडीगढ़ तक, सिर्फ अकेला। यकीन नहीं हो रहा मुझे खुद, इतनी बड़ी बस सिर्फ मेरे लिए चली गई। बताओ अब ढूंढते हैं सोलन वाली बस, और खाने को भी लेते हैं, कुछ भूख लग रही तो ठीक है, वो जा तो नहीं थी सोलन वाली बस, देखते हैं। चलिए, 4-5 दिन थे ना पंजाब रोडवेज के साथ ही पंगे पड़ रहे कसम से, पंजाब रोडवेज की बस मुझे दोबारा मिल गई आज, ये ठीक है वैसे बस पंजाब रोडवेज वाली। अभी हरियाणा वाली गई, मैंने जल्दी नहीं जाना था इसलिए बस में बैठा ही नहीं, तो मैं बैठ जाता पहुँच में बहुत पहले गया था, 15-20 मिनट हो मुझे आए हुए, लेकिन मैं बैठा नहीं उस बस में क्योंकि मेरे को पसंद नहीं थी ये बस। ठीक है, आराम आराम से बड़ी पहुँचा देगी। चलो ठीक है चलते हैं, रास्ते में रुकी तो खाने को लेंगे कुछ। गाइस हम पहुंच चुके हैं धर्मपुर, धर्मपुर कुमारहट्टी से थोड़ा ही नीचे है, और मेरा हो रहा सर दर्द इस टाइम, इतना सोया ना मैं इस बार, सफर में इतना सोया नहीं हुआ आज तक। चलो ठीक है, अरे खड़ी अपनी बस PRTC शिमला जा रही, ये ठीक है यार, शिमला जाने का टाइम वैसे जाऊँगा इस दिन शिमला ना, अपने दोस्तों के साथ आर्यन और के साथ गर्वित और के साथ जाऊँगा इस दिन। कोई ढाबा है जिस टाइम मैं पहले आया था, वो इनके ढाबे फिक्स होते हैं भाई, ये वाले ढाबे पे रुपये की बस, ये वाले ढाबे पे। चलो ठीक है, खाते पीते हैं कुछ और चलते हैं, फिर कुमारहट्टी वाली बस भी मिल ही जाएगी आज तो टाइम से, क्योंकि 12:30 तो यहीं हो गए। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। ओके भाई, मैं पहुँच चुका हूँ कुमारहट्टी, और वो देखो कहाँ गई बस, वो जा रही बस, बादल देखो क्या मस्त हो रहा है, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, ठंडा हो रहा मौसम बढ़िया, गर्मी लग रही इतनी, पर शायद मैं फ्लाईओवर के नीचे खड़ा इसलिए गर्मी लग रही, धूप तो है फिलहाल। अभी तो आधा घंटा है बस आने को, मैंने जल्दी आ गई वाली बस भी, देखो 12:30 हो रहा। चलो ठीक है, चलते हैं कॉलेज वाली बस के पास ही चलते हैं, वहीं से चल जाएंगे। ठीक है गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, और वो पीछे बस कहाँ गई हो, वो खड़ी है कुछ आया है, थक गया मैं, लेकिन मैं जितनी बसों में आया ना तीनों में सो के ही आया, और अब मैं आराम से बेड पर जा कर सुनूँगा, बेड पर सोना और बस में सोना बहुत अलग बात है। तो ठीक है, मौसम तो बढ़िया हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, तो ठीक है फिलहाल चलते हैं और कमरे में जाकर करते हैं आपसे बात। ठीक है गाइस, मैं पहुंचूंगा अपने कमरे में, तो फिलहाल अब मैं रेस्ट करता हूँ, मतलब सोता हूँ, बहुत देर तक सोऊंगा, 5-6 बजे तक आराम से, अभी बज रहे हैं 2, तो फिलहाल सोते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। इन कपड़ों को करते हैं चेंज, थोड़ा सा बिस्तर ठीक करते हैं, रजाई मैंने खोल ली थी तय करके गया था मैं, तो फिलहाल पंखा चलाते हैं। गर्मी यहाँ ठीक ही हो रही, पर यहाँ पर ठीक हो मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मौसम खराब है यार, मौसम खराब है, तो मौसम खराब से फिर थोड़ी ठंड सी हो रही, बाकी ठीक है, बाकी पंखा वगैरह चलाते हैं और फिर सोते हैं और आपसे मिलते हैं शाम को। ओके गाइस, तो टाइम बज चुके हैं 5, तो फिलहाल मैं सो के उठ चुका था, और मैंने कपड़े भी बदल लिए, अपनी पाली टी शर्ट और पजामा पा लिया और जूते पा लिए, तो फिलहाल चलते हैं खेलने, और गर्वित और आर्यन चल के खेलने, वो कह रहे आ जा तू भी, तो मैंने फ़ोन किया था ना अभी गर्वित को, कह रहा भाई ऊपर जा रहे हैं, मगर ठीक है मैं भी आ गया, तो मैंने मुंह धो लिया, तो फिलहाल चलते हैं और आपसे मिलते हैं जाके। ओके
गाइस हमारी हम खेल के आ चुके हैं, मैंने भी खेल लिया था एक आध, तो फिलहाल चलते हैं नीचे और खाना खाते हैं, भूख लग रही बहुत। ठीक है गाइस, खाना हमारा हो चुका है। तो आज बने थे दम आलू और उड़द की दाल और रोटी और सेवियाँ, तो बढ़िया लगा, अच्छा था खाना, खाने में इम्प्रूवमेंट आ रही डे बाय डे। पर चम्मच नहीं मिला, ये झूठ क्यों कहना, चम्मच नहीं मिला भाई, साफ सीधी बात, मैंने बहुत ढूंढे चम्मच पर चम्मच नहीं मिला मेरे को, हाथ से खानी पड़ी सेवियाँ, देखो इतने बुरी हाल आ गए। पर चलो हाथ से खाना भी बढ़िया हो, ज़्यादा स्वाद वैसे हाथ से आता है खाने का, चम्मच तो यूँ ही है, चम्मच तो शहरी लोग हैं पागल हो गए। चलो ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं पे एंड। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में, आराम से उठो, कल सो गए क्योंकि कल मेरी क्लास है 4 बजे, तो मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय।